नोएडा में जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जिला पूर्ति अधिकारी, ऑयल कंपनी और वेट्स बेजर्स की टीम द्वारा पेट्रोल पंप चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अब तक 3 पेट्रोल पंप की चेकिंग की गई है। हालांकि प्राथमिक जांच में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है और चेकिंग अभियान अभी भी जारी है। वहीं इन अधिकारियों ने वाहन चालकों से बात की तो सभी लोग सर्विस के साथ उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी से संतुष्ट नजर आए। नोएडा के सेक्टर 51 व 35 सहित कई जगह पर पेट्रोल पंपों पर डीएम के निर्देशानुसार चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें एक्सपर्ट इंजीनियर द्वारा मशीनों को चेक किया गया। हालांकि प्राथमिक जांच में कोई कमी नहीं पाई गई, जबकि ये चेकिंग अभियान अभी भी जारी है। ये चेकिंग अभियान जिला पूर्ति अधिकारी, ऑयल कंपनी और वेट्स बेजर्स की संयुक्त टीम द्वारा चलाया जा रहा है। आज जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जनपद गौतम बुद्ध नगर के नोएडा क्षेत्र में जिला पूर्ति अधिकारी और ऑयल कंपनी, बाकी हम एआरओज के साथ एक वेट्स मेजर की संयुक्त टीम द्वारा तीसरे पंप पे जांच की जा रही है। एक पंप एचपी का सेक्टर 51 में जांच की गई है, उसमें सारी जांचें जो हुई हैं उसमें कोई भी कमी नहीं पाई गई है। उसके बाद एक सेक्टर 35 में बीपीसी का कंपनी ऑपरेटेड जो पंप था वो जांच की गई है। आकस्मिक जांच में वहां पर भी कोई कमी नहीं पाई गई है। हम लोगों ने वाहन चालकों से भी फीडबैक पूछा है, वो भी उनके सर्विस से और उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी से संतुष्ट नजर आए। हमारी ये जांच अभी जिला प्रशासन की ओर से जारी रहेगी। ऑयल कंपनी और हमारे वेट्स मेजर विभाग के लोगों के साथ हम संयुक्त ये अभियान चलाएँगे और अचानक जाँचें करते रहेंगे। मशीनों की भी जांच करी गई? हाँ, मशीन की भी जांच की है। हमारे साथ ऑपरेटर है, उसका टेक्नीशियन है कंपनी के, जो उनको खोल के देखा जा रहा है कि उसमें तो कोई टेम्परिंग अथवा कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। क्या पूरे क्या मैं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी विजय बहादुर सिंह, नोएडा।